रोबोटिक टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। रोबोटिक इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ये रोबोट हमारा मेडिकल फील्ड में भी पैर रख दिया। अभी हमारे पास डायग्नोस्टिक के लिए रोबोट्स है और ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के लिए भी रोबोटिक है। ऑर्थोपेडिक्स में हिप एंड नी रिप्लेसमेंट में रोबोटिक का मशीन आ गया। अभी हम रोबोटिक का असिस्टेंट से हिप एंड नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। हम ये पहले सोचेंगे ये कैसे होता है रोबोटिक का सर्जरी, क्या मशीन आके अपने आप रोबोट का पेशेंट का रिप्लेसमेंट कर जाएगा? ऐसे काफ़ी लोगों का दिमाग में है, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी टेंशन है क्या रोबोट से करने से नया टेक्नोलॉजी है कुछ मुझे गड़बड़ होगा क्या, प्रॉब्लम होगा क्या, ऐसे भी बहुत लोगों को टेंशन है। और थोड़ा लोग ये भी वरीड है क्या फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशन होगा करके भी ऐसे टेंशन में है। और थोड़ा लोग ये भी है रोबोट करेगा कुछ गड़बड़ हो गया तो कौन इसको मैनेज करेगा, ऐसे भी थोड़ा लोगों में टेंशन भी है। ये रोबोट एक असिस्टेड सर्जरी होता है, ये रोबोट ही सर्जरी नहीं करता। अभी मान लीजिए पेशेंट आ गया हॉस्पिटल में, आने के बाद हम उनको इवेल्यूएट करते हैं, पेशेंट रोबोटिक का सर्जरी के लिए फिट है नहीं है हम देखते हैं, उसके बाद उनका सीटी स्कैन करते हैं और उसका प्लानिंग होता है। वो प्लानिंग करने के लिए वो एक इंजीनियर रहता है जो सॉफ्टवेयर वो रीड करता है, सीटी मशीन वगैरह सीटी स्कैन वगैरह रीड करता है, वो प्लानिंग करता है, इंजीनियर रहता है, उनके साथ हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करके वो डेटा हम रोबोटिक को फीड करते हैं, फीड करने के बाद वो सारे जो सर्जरी होगा कल आज वो पूरा प्लानिंग होगा, कितना बोन कट करना पड़ेगा, कितना कौन सा साइज का इम्प्लांट डालना पड़ेगा, सारा प्लानिंग हुआ एक दिन पहले। और प्लानिंग होने के बाद पेशेंट को आप मान लीजिए आज सर्जरी है, उनको सुबह शिफ्ट होंगे, जैसे पहले जैसे होता था ऐसे एनेस्थीसिया का चेकअप होगा, पहले जैसे होता था ऐसे ही उनका जो फिटनेस का पूरा से पूरा इवेल्युएशन चेकअप होगा। उसके बाद ऑपरेशन देने थिएटर के अंदर एनेस्थीसिया देने के बाद प्रिपरेशन भी सेम रहेगा। और एटलीस्ट कम से कम दो ऑर्थोपेडिक सर्जन अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्क्रब होके रहेंगे। और रोबोट इतना ही करेगा, हम जॉइंट को ओपन करने के बाद रोबोट आके बोन को कट करेगा, जो हम हाथ से पहले करते थे, जो पहले मशीन से करते थे, अब रोबोट उसको बोन प्रिपरेशन करेगा। और प्रिपरेशन करते टाइम ईच स्टेप में सर्जन उसको मॉनिटर करते रहेगा, और कहीं भी 1 मिलीमीटर का 1% का वेरिएशन हो रहा है तो वो सर्जन उसको बंद करवा लेगा, और करेक्ट कहीं भी करेक्ट करवाना है तो सर्जन उधर उसको करेक्ट कर लेगा। इतना मॉनिटर्ड से ये सर्जरी होता है रोबोटिक हिप और नी रिप्लेसमेंट, कहीं भी गड़बड़ होने का चांसेस बहुत कम रहते हैं। एंड रोबोट अकेले सर्जरी नहीं करता, रोबोट जस्ट असिस्ट द सर्जन। इससे क्या होता है, ये रोबोटिक एडवांटेज ये है, इसका पहले ही सर्जरी करने से पहले सो प्लान प्रॉपरली प्लान रहता है, और बोन कटिंग और कितना कट करना, कितना करेक्शन करना, ये बहुत आसान हो जाता है। इसे जो प्रोसीजन करके बोलते हैं, जो एक्यूरेसी करके बोलते हैं, वो बेटर रहता है। और लॉन्ग टर्म में एक्यूरेसी बेटर हो गया तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट होने का चांसेस ज़्यादा है, और पेशेंट का पेन रिलीफ भी अच्छा होने का चांसेस ज़्यादा है, और जो हम जॉइंट डालेंगे उसका लाइफ लॉन्गविटी जो बोलते हैं बहुत दिन रहने का भी चांसेस ज़्यादा है। ये एडवांटेजेस है, इसलिए किसी को डरने का जरूरत नहीं है। और जो सर्जरी होगा वो सर्जन मॉनिटर्ड रहेगा और प्रोबेबली लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स अच्छा रहेगा, और इसके बारे में कोई डरने का जरूरत नहीं है। तो काफ़ी पेशेंट के लिए ये ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद भी पूछते रहते हैं क्या होगा, और थोड़ा लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, मैंने रोबोटिक का सर्जरी करवा लिया सब कुछ ठीक हो जाएगा फ्यूचर में करके, ऐसे भी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना चाहिए। ये रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी रहता है, जो रेगुलर सर्जरी के साथ जो भी प्रिकॉशंस लेना होता है, जो भी आपको डॉक्टर का जो ऑपरेशन के बाद जो भी प्रिकॉशंस जो भी इंस्ट्रक्शन होता है ठीक तरह से फॉलो करना होता है, और छोटा सा भी प्रॉब्लम हो गई तो आपको डॉक्टर से आके मिलना होता है, और डरना भी नहीं होता है, और ऐसे कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन हमने नहीं देखा और रिपोर्टेड भी नहीं है रोबोटिक सर्जरी के साथ, एंड कोई टेंशन लेने का जरूरत भी नहीं है।